मेरे सामने खड़ी है मेरी ड्रीम बाइक, तो भाई भाई बहुत वेट किया मैंने, फाइनली आ गई है। अस्सलाम वालेकुम, की हाल है, ठीक हो ना? तो यार मैं ना सोच रहा था कि ना हर बंदा इंट्रो कर रहा है, हेलो जी अस्सलाम वालेकुम, कोई शमेलो जी, तो कोई कुछ, मतलब हर किसी ने ना इंट्रो सेलेक्ट कर लिया, और मेन चीज होती है सलाम करना, हेलो आई करना, क्योंकि स्टार्टिंग में हम ज्यादा तो सलाम करना मैटर करता है ज्यादा, तो हर बंदा ना ये चीज कर रहा है। तो मैंने सोचा मैं कुछ डिफरेंट करता हूँ। अच्छा भाई कभी ऐसा हो आपका, भाई सुबह सुबह सो के उठे, बाथरूम शाथरूम कर रहे हो और उधर ही मैं इंट्रो स्टार्ट कर दूं, एक बार इमेजिन करो, सोच के देखो मतलब कैसा होगा। A few moments later. Hello G, we are back to another vlog. तो यार आज के vlog का सीन ये है कि हम चलो यार बड़ी मस्ती कर लिया, ठीक है टॉपिक पे आते हैं। तो वीडियो का टॉपिक क्या था यार? पाकिस्तान में ना व्लॉगिंग नहीं बंदा कर सकता, बंदा अपने घर में बैठ के व्लॉगिंग करे, बाहर कोई आ जाता है ठीक है वो शोर होना शुरू हो जाता है, या बंदा बाहर जाके व्लॉगिंग करे तो लोग इस तरह देखते हैं जैसे मैं अभी खोते लेके भाग गया हूँ, मतलब बंदा करे तो करे क्या। तो यार काफी शुगर मेरा लगा लिया, ठीक है अब आते हैं वीडियो के टॉपिक पे। तो यार मेरे से काफी ज्यादा पूछा जाता है कि हसीब भाई आप किस तरह व्लॉगिंग करते हैं, आप कौन सा एडिटिंग मतलब कौन सा सॉफ्टवेयर यूज करते हैं, किस में एडिट करते हैं, क्या क्या मतलब ए टू जी किस तरह बनाते हैं, क्या सारा सीन है, कौन सा मोबाइल है, किस तरह से बनता है, जो भी सारा सीन है ठीक है। तो लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, मैंने काफी बार बताया कि मेरे पास कोई बहुत हल्का फोन है ठीक है, लेकिन ये चीजें मैटर नहीं करती, करती भी है लेकिन आगे जाके, लेकिन फिलहाल जो है उससे ही बनाओ। मैं आईपैड कैमरे से रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ये है मेरे पास फोन ठीक है, इन्फिनिक्स का कोई फोन है, इसकी हालत आप लोग देख लो भाई, मैं अपने आप को बोलता हूँ कि यही फोन है ठीक है, इससे जो बना सकते हो बनाओ। तो ये आपने मेरा फोन देखा है ठीक है, ये फोन है अभी अभी तक ये फोन है, और इसी में एडिटिंग होती है, इसी में थंबनेल बनते हैं, और इसी में ए टू जी काम इसी के अंदर ही होता है ठीक है। आप एक चीज फोकस कर लो कि आपने अपनी स्टोरी को बताना कैसे है। अब मिसाल है कि मैं जा रहा हूँ, स्टोरी को दो तरीके से समझाता हूँ ताकि आप लोगों के लिए आसानी हो। स्टोरी नंबर वन, तो यार अभी ना मेरी न्यू बाइक बाय रही है, तो मैं उसको देखने जा रहा हूँ। वाओ चेक करो कितनी अच्छी बाइक है मेरी। एंड स्टोरी नंबर टू, तो यार मैंने ना इस दिन का बड़ा वेट किया, तो फाइनली मेरी बाइक आ गई है। इस तरह से अगर आप अपनी स्टोरी को बताओगे ना भाई, मोबाइल जो सा मर्जी हो, यही मोबाइल था पहले, मैंने को बताया कि किस तरह से होता है और अपने तरीके से किस तरह से हुआ है, चीज वही है, कैमरा वही है, सब कुछ वही है, लेकिन स्टोरी बताने का तरीका दो तरीके थे, तो आप कौन से वाला आजमाओगे ये आप पे मैं छोड़ता हूँ। कहने का मतलब ये है कि बेशक आपका दिन फुल बोरिंग भी गुजर रहा हो ना, क्योंकि आप ये तो नहीं ना कि आप कभी कहाँ जा रहे हैं तो कभी कहाँ जा रहे हैं, लेकिन आपको अपने व्लॉग के अंदर आपको अपनी ऑडियंस को इंगेज करना, तो मतलब स्टोरी हो रही हो, कभी इधर से एंगल बन रहा है तो कभी इधर से एंगल बन रहा है, डिफरेंट डिफरेंट एंगल से बात करो ताकि ऑडियंस देखे कि भाई इधर जा रहा है इधर, मतलब यू नो स्टोरी जो आप बता रहे हो, मतलब अपनी क्रिएटिविटी के अंदर बढ़ जाओ ठीक है, डब्बा खोलो उसके अंदर ही बढ़ जाओ ठीक है। यार आई होप सो आप लोगों को समझ आ गई होगी सारी चीजें ठीक है, यही फोन था पहले, मैंने आपको जस्ट दो स्टोरी में एक एग्जाम्पल भी दिया कि आप लोगों को समझ आ जाए कि क्या चीज होती है। बाकी आप वीडियोस बनाओ, जो चीज भी आपके पास है, फोन है जो भी है, शुरू करो, बाकी आप मेहनत करो, कामयाब अल्लाह ताला करते हैं, हर जो मेहनत करता है ना भैया उसको कामयाब जरूर करते हैं, मुझे भी करेंगे, आप लोगों को भी इंशाल्लाह तआला करेंगे, बाकी जो चीज़ है उससे बनाई जो मेहनत करी जो। और ये छोटा मोटा सा यू नो आपके भाई ने थोड़ा सा बता दिया कि मैं किस तरह व्लॉग्स करता हूँ, तो एक बार मैं आपको फिर से बता देता हूँ मोटे मोटी चीज़ें कि व्लॉग मैं जिसे करता हूँ वो मैंने आपको डिवाइस बता दी, स्टोरी टेलिंग का तरीका मेरा किस तरह से है वो भी मैंने आपको दो स्टोरी में बता दी कि मेरा किस तरह स्टोरी टेलिंग का है, मैं किस तरह से स्टोरी को क्रिएट करता हूँ वही मैंने आपको चीज़ बता दी, और तीसरी चीज़ होगी एडिटिंग, एडिटिंग मैं वीएन से कर लेता हूँ ठीक है, और थंबनेल मैं पिक्सआर्ट से बना लेता हूँ, और ये जो एनर्जी का राज है ना मेरे अंदर ये नहीं मैं बताऊंगा। आओ आई मेक व्लॉग्स बनाते बनाते भाई मच्छर खा गया मेरी टांगे, भाई वो जमीन पे बैट बूट के बनाई है ना वीडियो शीडियो सारी टांगे मच्छर खा गए। यार इस बात पे लाइक शेयर सब्सक्राइब तो बनता है ना।
और टाइम भी 6:10 हो गया, पता नहीं 2:30 वीडियो बनाना शुरू की थी, पता ही नहीं चला कितनी लंबी चली गई है। बाकी मैं अभी नहाने जा रहा हूँ और फिर नहाने के बाद जाना है जिम। जिम नहीं मिस करनी भाई, जिम जरूरी है। यार नहा धो के मैं फ्रेश हो गया था, ठीक है 6:30 हो रहे हैं, जिम जाने से आधा घंटा पहले। आपका भाई प्री वर्कआउट में ये खा रहा है, 2 केले हैं और 1 सेब है, और ये भी पड़ा भाई, अगर ये जगह हुई तो खा लेंगे, नहीं तो इसको मिस कराएंगे। बाकी ये बहुत है, तो ये मेरी फ्रूट चाट है, मतलब वो छोटे छोटे नहीं काटना, ऐसे काट के खाओ और निकलो। आज से अपनी जिंदगी का रोल बना लो, आप लोगों को बड़ी से बड़ी छोटी सी छोटी चीज कोई भी न्यू मिले ना तो उस पर खुश हो जाओ, जैसे कि मेरे नए मोजे। तो यार ऐसे ही मेरे जेन में सवाल आया कि मैं व्लॉगिंग छोड़ के कॉमेडी चैनल ना खोल लूं, बड़ी प्यारी कॉमेडी करता हूं मैं। मैं भी बाहर आता हूँ और हल्की हल्की बारिश भी होना स्टार्ट हो गई है। तो यार बाहर बारिश, जैसे कि देख सकते हो मौसम हो गया स्मैक्सी, हवा शुवा जा रही है, बारिश होना स्टार्ट हो गई है। तो पता नहीं मैं जिम पहुँचूंगा कि नहीं, बहरहाल मैं इस वीडियो को यहीं पे एंड करता हूँ। तो भाई इस वीडियो में मैंने इतना कुछ आप लोगों को बताया, इतना शुगर लगाया, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब आप लाजमी कर देना। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में। तो यार ये वीडियो बन ही रही है कि हाउ आई मेक अ व्लॉग्स टाइप, यू नो कि किस तरह व्लॉग्स बनाने चाहिए, किस तरह मैं बनाता हूँ, तो ये वो सारी चीज़ हो ही रही है। तो एक चीज़ है मेरे दिल की, मतलब ये दिल में मैंने ना काफ़ी दिनों से स्टोर करके रखा हुआ था, तो मैंने सोचा मैं इसी वीडियो के अंदर ना बता देता हूँ। मैंने सोचा था ये बात मैं कभी फिर बताऊँगा, मतलब कभी फिर सोचा था, लेकिन मैंने सोचा इसी वीडियो के अंदर ही बता देता हूँ। तो यार वो बात ये है कि आपको पता है कि आज से 4-5 साल पहले मेरा यूट्यूब चैनल था, तब मेरी एज होगी कोई 13-14 साल, और अभी मैं 18 का हुआ हूँ, ठीक है। तो 18 साल के बाद ना अब ये चीज़ें ना समझ आती हैं। पहले अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा फेम था, मेरी वीडियोस पे, मेरी गेमिंग चैनल पे ट्रेंडिंग पे वीडियो जा रही है, व्लॉगिंग पे 50,000 सब्सक्राइबर है, तो 4 लाख व्यूज़ पड़ रहा है। वो मेरे घर लोग आते थे यार, लिटरली डॉल्फिन पुलिस वाले तक मेरे घर आए हुए हैं कि हमें सीप से मिलवा दो, ठीक है। तो एक YouTube से हट रहेगा ना, उस टाइम मेरे पास एक, मतलब मुझे लगता था कि मतलब ऐसे ना, मतलब कि लोग मुझे मिल रहे हैं, एक मतलब एक होता ना फेम मिलता है जब बंदे को कि लोग मुझे मिल रहे हैं, आ रहे हैं, और कमेंट्स भी आ रहे हैं, हेट्स कमेंट भी आते हैं, प्यार वाले भी आते हैं, हेट वाले भी आते हैं, और मैं जहाँ मतलब अक्सर मुझे रोड पे बाहर लोग मिल रहे हैं, तो मैं ना उस चीज़ से मुझे ना होता था कि यार ये क्या हो रहा है मेरे साथ। का मतलब ये कि फेम को हैंडल करना नहीं आता था मुझे उस टाइम, तब मैं छोटा था, 13-14 साल मेरी एज थी, शुगर मैंने यूट्यूब चैनल बनाया और मैं वायरल हो गया। तो मुझे ना अब वो चीज़ बहुत, अब वो चीज़ समझ आती है कि तब अगर मुझे फेम को हैंडल करना आता, या मैं इस एज में यूट्यूब करके मैं वायरल होता, तो मैं उसको, उस फेम को मैं किस तरह यूज़ करता, ये चीज़ मुझे अब समझ आती है, पहले लिटरली नहीं आती थी समझ। बाकी यार कोई मसला नहीं है, ठीक है, वो भी हमारे हक में बेहतर होगा जो हमने YouTube छोड़ दिया, सब कुछ कर दिया। जिन लोगों को मेरा पता है, याद हूँ मैं, उनके लिए दिल से प्यार है, बाकी मेहनत हम कर रहे हैं इंशाल्लाह ताला, दिल से मेहनत करेंगे, जान लगा देंगे, बाकी अल्लाह ताला की जात बैठी है कामयाब करने वाली, पहले भी अल्लाह ताला नहीं किया था, अब दोबारा भी अल्लाह ताला ही करेंगे इंशाल्लाह। ये बात मैंने सोची हुई थी, ये दिल के अंदर ना यहाँ पे इधर फंसाई हुई थी मैंने बात, मैंने सोचा था कभी बताऊँगा, लेकिन मैंने सोचा इसी वीडियो में बता देता हूँ, कसम से सोच के ना बंदा इमोशनल हो जाता है। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में, लव यू यार सब।